नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं टॉप 10 न्यूज लेकर। जी हां दोस्तों, दिन भर की तमाम खबरों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि अभी क्या कुछ हालात हैं देश दुनिया के अंदर। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड पे। दरअसल पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। शुक्रवार को इस्तीफा देने वाले तीरथ सिंह रावत ने भाजपा विधायक दल की बैठक में धामी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक धामी आज शाम 6 बजे राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं बात करें पंजाब की, तो भीषण गर्मी में पंजाब में बिजली का संकट अभी भी गहराया हुआ है। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। शुक्रवार को सियद बसवा गठबंधन ने प्रदेश में प्रदर्शन किया था, वहीं शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सिसवा में सीएम कैप्टन अमरिंदर के फार्म हाउस का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और सांसद भगवंत मान तबीयत खराब होने के कारण लौट गए। वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर सीएम हाउस की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। बात करें राफेल सौदे को लेकर छिड़ी बहस पर भाजपा का पलटवार। कहा, कांग्रेस झूठ का पर्याय, राफेल सौदे के बारे में फिर गलत बयानबाजी कर रहा। राफेल फाइटर प्लेन डील को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग फिर से कर दी है। वहीं एक्टर प्राचीन चौहान मुश्किल में घिर आए हैं। मुंबई के मलाड पुलिस ने शुक्रवार रात छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्राचीन चौहान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभिनेता को शनिवार दोपहर बोरीवली कोर्ट में भी पेश किया गया। आइए बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई दूसरी खबर की, जो जुड़ी हुई है आमिर खान से। दरअसल शादी के 15 साल बाद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और किरण राव ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। आमिर और किरण ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की बात कही। अपने स्टेटमेंट में दोनों ने बताया कि दोनों ही अपने जीवन में अब नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि माता पिता और परिवार के रूप में। अब जब दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है, तो इनके फैन भी काफी हैरान हैं, क्योंकि कभी आमिर खान ने किरण राव के लिए ही पहली पत्नी रीना दत्ता से अलग होने का फैसला लिया था। वहीं बात करें बिहार के सिकंदराबाद दरभंगाबाद स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट कराने की साजिश में शामिल 2 संदिग्ध आतंकवादी नसीर और इमरान को पटना के स्पेशल NIA कोर्ट ने 7 दिनों के लिए NIA की रिमांड पर भेज दिया है। तेलंगाना से गिरफ्तार आमिर और नसीर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की टीम शुक्रवार की सुबह हैदराबाद से पटना लेकर आई, जिसके बाद दोनों को बिहार ATS के दफ्तर ले जाया गया। दोनों संदिग्ध आतंकवादियों से बिहार पुलिस ने भी ब्लास्ट मामले में गहन पूछताछ की है। वहीं UP जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अमेठी में फिर से कमल खिल गया है और BJP के प्रत्याशी राजेश अग्रहरी विजयी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के हालातों पर बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में चुनाव होंगे, लोकतंत्र में हमारी पूरी आस्था है। उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले DDC के चुनाव करवाए हैं, पहले परिसीमन हो जाए तो फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। ये चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। टॉप 10 न्यूज के अंदर अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर नए टॉप 10 न्यूज के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ ऐसी रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों, हमारा अभियान खबर के साथ हो गया।